उनका मन उतना नहीं लगा। और जब साहिल मैं लौटूंगी आपके पास, इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सवाईकर जी जुड़ चुके हैं जो कि दक्षिण गोवा के एमपी हैं। नरेंद्र जी, आप मनोहर पर्रिकर को किन शब्दों में याद करना चाहेंगे इस वक्त? मनोहर पर्रिकर, गोवा के मनोहर पर्रिकर एक लीडर ऑफ मार्क्स। उनकी इंटेग्रिटी, उनका कैरेक्टर, उनका विजन और गोवा के जनता के लिए उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, ये तो पूरी जनता गोवा की याद रखेगी। और गोवा के वो पहले यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, इस देश के रक्षा मंत्री के नाते उन्होंने काम किया, और ये भी पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरी दुनिया उस तरह से उनको याद करती रहेगी। हमारे लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी का गोवा में काम नीचे से सत्ता तक इसने आगे बढ़ाया, वो मनोहर पर्रिकर जी थे, और उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन गोवा के डेवलपमेंट में और देश के डेवलपमेंट में। नरेंद्र जी, लंबे वक्त से वो बीमारी से जूझ रहे थे, उसके बावजूद लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कामकाज जारी रहा। राजदीप हमारे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। राजदीप, सर पहले तो पूरी तरह से हमारी संवेदना की जो हुआ है, हमारी सहानुभूति, इसके साथ साथ ये हम पूछना चाहते हैं किस तरह से आप मनोहर पर्रिकर का सबसे बड़ा योगदान क्या आप देखते हैं गोवा की राजनीति के लिए, गोवा की जनता के लिए? गोवा की जनता के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि यहाँ के जनता के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्ट था। ही वॉज इन ट्रू सेंस द लीडर ऑफ द मासेस। और उसके बावजूद भी यहाँ के गोवा की जनता के जिस प्रकार के विषय थे, छोटे बड़े, उन सभी विषयों में उनका उन्होंने वो हल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा का, जिस प्रकार से आज गोवा बहुत अभिमान से खड़ा है, वो मनोहर पर्रिकर जी के कारण खड़ा है, और उनका उसके लिए बहुत बड़ा योगदान और कॉन्ट्रीब्यूशन है। हेलो जी, एक सवाल उठता है, मनोहर पर्रिकर यानी भाजपा गोवा में और भाजपा गोवा यानी मनोहर पर्रिकर, अब क्या होगा सर? अब क्या भाजपा के, क्या किस तरह से आप देखते हैं भाजपा का भविष्य, इस सरकार का भविष्य गोवा में? देखिए, मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा में एक स्थिर और सक्षम नेतृत्व गोवा में सरकार को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया और गोवा की जनता को भी दिया है। और उनके देहांत के बाद अभी भी यहाँ पे जिस प्रकार से लोगों की उनके ऊपर श्रद्धा है, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी, और इसमें जो कुछ भी इश्यूज जो कुछ भी है वो सॉर्ट आउट कर हम यहाँ पे सब एक कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ये रहेगी। हेलो, चलिए शुक्रिया नरेंद्र सवाईकर जी, सांसद दक्षिण गोवा के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि दरअसल गोवा और मनोहर पर्रिकर एक दूसरे के पूरक थे, और उनका जो योगदान रहा है गोवा की राजनीति